रोज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। गया शहर में कोरोना के तर्ज पर डेंगू के खिलाफ वार जारी है। इस क्रम में डेंगू के खिलाफ चल रहा महाअभियान के सातवें दिन नगर निगम के द्वारा महाअभियान चलाया गया। महाअभियान वार्ड संख्या 1, 2, 3 और 27 में चला। इस क्रम में सड़कों पर उतरकर गया के मेयर डॉक्टर बीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर डॉक्टर आखोरी ओमकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव के नेतृत्व में डेल्हा के युक्त वार्डों वाले इलाकों में चारों ओर छिड़काव किया गया। हर सनकरी और बड़ी गलियों में डेंगू के खिलाफ फॉगिंग का महाअभियान चला। नगर निगम के महाअभियान के दौरान नालियों में हार्ड स्प्रे हो रहा है ताकि डेंगू के मच्छरों को नालियों में ही मार दिया जाए। इस तरह सड़कों से लेकर नालियों में भी फॉगिंग किया जा रहा है। इस संबंध में गया के मेयर बीरेंद्र कुमार ने बताया कि गया को क्लीन गया और ग्रीन गया बनाया जा रहा है ताकि यहां के लोग स्वस्थ रह सके। हाल के दिनों में डेंगू बड़े पैमाने पर पाव पसार रहा था, जिसे लेकर हमने कोरोना के तर्ज पर डेंगू के खिलाफ अभियान चलाया है। अभियान का आज छठवां दिन है और इस अभियान में हमारे स्कूल वार्ड नंबर 1 के आचर पत्नी जितेंद्र वर्मा जी, वार्ड नंबर 2 के पार्षद जी गुड्डू यादव जी, वार्ड नंबर 3 के पार्षद वासुदेव देवी जी, वार्ड नंबर 27 के पार्षद धर्मेंद्र जी, तमाम नगर निगम के कर्मचारी बंधु सभी लोग इस अभियान में यहां पर डेंगू से मुक्त कराने के लिए शहर को आज हम लोग डेल्हा के स्थान पर हम लोग आए हुए हैं, जिसमें जनता का अपार प्यार मिल रहा है और हम लोग 4 गुना मेहनत डेली पर डे हम लोग 4 से 7-8 किलोमीटर हम लोग पैदल खुद घर घर जा करके डेंगू के शहर को मुक्त कराने के लिए ये अभियान चला रहे हैं। इसमें मीडिया बंधुओं को भी बहुत बड़ा योगदान है और इस बार ये अभियान से अब जिस तरह से डेंगू का प्रकोप शहर में बहुत काफ़ी हद तक बहुत कम हो चुका है, इससे हम लोग को एक खुशी महसूस होता है कि जो हमने मेहनत किया उसका फल हमको मिल रहा है। और वहीं संबंध में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि पहली बार ऐसा अभियान चल रहा है जिसमें फॉगिंग के दौरान केमिकल के अंश 3 मंजिला मकान तक पहुंच रहे हैं। इसका काफी असर हो रहा है। यह पहली बार है कि नीचे जमीन की नालियों से लेकर ऊपर 3 मंजिले मकान तक फॉगिंग का असर दिख रहा है। इससे मच्छरों का सफाया किया जा रहा है। मौके पर पार्षद लाछो देवी, स्वर्णलता वर्मा, ममता किरण, जितेंद्र वर्मा, गुड्डू कुमार, सुनील राम सहित निगम के पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। वार्ड नंबर 1, 2, 3, 27 और कुछ अन्य भाग जो आसपास का उसमें फॉगिंग असुविधा करवा रहे हैं। डेंगू और अन्य मच्छरों को मारने के लिए लार्वा का छिड़काव नालियों में हार्ड स्प्रे ताकि जहां तक बहाव हो वहां तक चला जाए, नाली के अंदर हैंड फोगर से बैरल अंदर डाल के और इधर जितना दूर तक जा सकता है लेफ्ट एंड राइट बैक एंड फ्रंट ताकि अंदर में जो लार्वा हो वो भी मरे। तीसरा जो कॉल्ड फोगर, कॉल्ड फोगर को बहुत दूर मारने का अभी उसमें क्षमता नहीं, लेकिन उसमें फॉग जो कर रहा है 3-in-1 है वो ज़्यादा कर रहा है। तो वो जब कर रहा है तो अगल बगल 2 तल्ला 3 तल्ला जहाँ कहीं तक भी उसका केमिकल का धुआं जा रहा है वो उसको कंट्रोल कर रहा है। पहली बात कि डेंगू का भी, दूसरी बात कि डेंगू का कोई पॉजिटिव पेशेंट को अगर सामान्य मच्छर भी काट ले तो उसको भी डेंगू हो जाएगा, उसको काटने से भी व्यवस्था करें, इसलिए कि उसके डंक में वायरस मौजूद है। तीसरा कुछ ऐसे भी कीटाणु है जो बैक्टीरिया है, एंटीबॉडी है, उसका भी इससे थोड़ा ये हो जाता है। और जब हम लोग शीर्ष स्तर के लोग सब रोड पर है तो जहाँ सफाई व्यवस्था और दुरुस्त होना चाहिए वो भी ठीक ठाक हो जाता है। चुनाव देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।